अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये मूंगी की सगाई की अंगूठी है, पूजा तो हो गई है, सिर्फ भगवान के चरणों पे रख के अंदर ले आना। क्या करें, कहा था ना कि घर की औरतों से दूर रहा करो। लगता है तेरे दिमाग में मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इतना लाख समझाने के बाद भी संतू की तस्वीरें खींच रहे हो तुम। कैमरा क्यों छीन रहे हो? हितेन भाई, आपने ऐसा क्यों किया? लड़के वाले, इनका अनादर हम नहीं कर सकते। मेरी साइड लेने के लिए थैंक्स। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है। जो भी क्या हितेन भाई मूंगी के लिए किया है। अरे अरे, ये सब कैसे? मुझे माफ कर जो, मंदिर में सगाई की विधि की पूजा करने गई थी, जरा देरी हो गई। कोई बात नहीं वनराज, किसका इंतजार हो रहा है भाई? सब लोग तो आ गए हैं, और वैसे भी पंडित जी ने लगन का शुभ मुहूर्त निकाल दिया है। शुभ काम शुभ घड़ी में होना चाहिए ना। सच्ची बात बोलिया माँ जी, शुभ काम शुभ मुहूर्त में हो तो फलता है। हल भैला हल चल। सगाई की रस्म शुरू करो ना। संतु, सगाई की अंगूठी मुंगी को दे दे। नहीं बा, वो तो मंदिर में ही रहेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंगूठी तो यहाँ नहीं है, पर मैंने तो यही रखी थी। इतने भाई तो मुझसे पहले ही चले गए, कहीं रुद्र ने तो नहीं ली? हेलो रुद्र, कहाँ तुम? एटलीस्ट हमारे सामने नहीं हो, अपने कमरे में हूँ। बहुत ही अजीब घर है, कोई भी आके कुछ भी कह देता है, इंसल्ट कर देता है, थप्पड़ मार देता है। सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंगूठी तुम्हारे पास है। रुद्र, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अंगूठी तुम्हारे पास है? हाँ है। तुम्हारा बाहर छोड़ आई थी, मैं ले आया। तो ठीक है, नीचे लाकर दे दो मुझे। अगर अंगूठी चाहिए तो ऊपर आके ले लो, मैं नीचे नहीं आने वाला। रुद्र, पर तू संतू के फोन के साथ क्या कर रहा है? बाबस, मैं कुछ नहीं देख रहा था। क्यों? वो किसी से बात कर रही थी। किसके साथ बात कर रही थी? वो सारंग का दोस्त है ना, रुद्र। उसे फोन पर बात करने की क्या जरूरत है? मैंने उसे अंगूठी लाने को भेजे थे। हाँ, मुहूर्त जाला जा रहा है, क्या कर रही है लड़की? अरे भाई, क्या बात है, क्यों देरी हो रही है? सगाई की रस्म शुरू करो ना। हाँ हाँ, अभी आती होगी संतू, लाती है ना बेटी? शुरू करते हैं। कब अंगूठी लेके आएगी? माँ वो अभी लाती ही होगी। वो अंगूठी नहीं आई है तो मेरी अंगूठी ले लीजिए। ओहो, अरे लड़की की अंगूठी लड़के को पहनाई जाती है क्या? दादी, ये अंगूठी मैंने लंदन में ली थी।
वहां सब एक जैसे अंगूठी पहन लेते हैं, अपने जीवन साथी के लिए ले लेते हैं वो लोग। मैंने भी वही अंगूठी ली थी और इत्तेफाक से सारंग के पास भी यही अंगूठी है। हमारी जोड़ी बनी नहीं पर इन दोनों की जोड़ी बन गई। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बेशकीमती तोहफा। लो, चलो सगाई की रस्म शुरू करें। ये मुंगी दिख रहा बेटी बेटी सु विचारिया करे से, जमेराज को वीटी पेरा ना। चल संतुड़ी सगाई में आवी नहीं, भगवान जाने क्या रह गई। लो अंगूठी दो मुझे। तुम समझते क्या अपने आपको? तुम्हारा मुंह बोला बेटा आके मुझे कुछ भी बोल जाता है। तुम आके बार बार मेरी इंसल्ट कर जाती हो, थप्पड़ मार जाती हो, समझते क्या तुम अपने आपको? देखो मैं उनसे पहले भी कह चुकी हूँ कि बीती बातों के बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ कि तुम इस घर में मेहमान बनकर आए हो और मेहमान बनकर ही रहो। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या हूँ? तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे रहना चाहिए? हा? देखो अपनी मर्यादा में रहो, इज्जत से बात करो। अभी तक मैं अपनी मर्यादा में ही था, सबकी बेइज्जती बर्दाश्त करके इज्जत से पेश आ रहा था मैं, लेकिन बस और नहीं। और बात की हद होती है और इस बार तुमने हद पार की है, मैंने नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सॉरी, तुम्हें क्या लगा मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे सबक सिखा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। वो कहते हैं ना, अगर किसी को झुकाना हो तो पहले खुद झुकना पड़ता है। अगर किसी के पैरों तले जमीन खींचनी हो तो पहले उसके पैरों में गिरना पड़ता है। तूने मुझे एक नहीं दो थप्पड़ मारे, और अगर मैं उस वक्त उन थप्पड़ों का जवाब देता, तुम्हारा रेप करता, तुम्हारी बेइज्जती करता, तो सबको पता चल जाता कि मैं कितना खराब हूं। सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे अंगूठी दो, मुझे जा रहा है ना, लेकिन क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा?
क्या पागलपन है? मैंने कहा ना मुझे जाना है। नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगा। जानते हो कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे? आज तक किसी लड़की ने मुझे ना नहीं कहा। कितनी लड़कियां पसंद करती हैं मुझे, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक शादीशुदा औरत जिसके पति ने उसे पिछले 10 साल से छुआ तक नहीं। इनफैक्ट मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम भी मुझ पे मरती हो, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे प्यार के बदले मुझे थप्पड़ मारे। लेकिन फिर सोचा नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। लेकिन नहीं आई, मैं गलत था। मुझसे गलती हुई, लेकिन आज मैं वो गलती नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस बंद कमरे में जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।